पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। बुंदेलखंड में दशहरा का एक अलग महत्व है। यहाँ सुबह से राधा कृष्ण के दर्शन कर पूजा अर्चना की जाती है, वहीं गुरुओं से आशीर्वाद लिया जाता है। वृंदावन से पडरिया धाम पधारे श्री किशोर दास जू महाराज के दर्शन करने को दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि दशहरा बुराइयों का परित्याग करके अच्छाइयों की ओर ले जाने वाला पर्व है। साथ ही अच्छा भोजन करें और भगवान के चरणों का ध्यान करें, उनकी कृपा होगी और आपके विचारों में शुद्धिकरण होगा और हमारा आचार विचार उत्तम होना चाहिए और जो न खाने लायक वस्तुएं हैं उनका परित्याग करना चाहिए। यही दशहरा की मंगलमयी कामना है। हरी शरणम, हरी शरणम, हरी शरणम। आज दशहरा की मंगलमयी वेला और इस दिव्य मंगलमयी वेला में समस्त क्षेत्रवासियों को श्री ठाकुर जी की ओर से, श्री बिहारी जी की ओर से खूब खूब मंगलमय सुआशीर्वाद और सबके लिए खूब खूब उत्सव की, महाउत्सव की बधाई है। ये दशहरा का महापर्व हम सबका कल्याणकारी हो, हम सबके अंतःकरण में श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में अनन्य प्रीति हो, भगवान प्यारे लगें, उनका नाम, उनका रूप, उनकी मधुर मधुर लीलाएं, संत गुरुजन ये प्यारे लगें, भक्ति में हमारी रति हो, ठाकुर जी के चरण कमलों में रति हो। यदि हमारे जीवन में हमें यह उपलब्ध हो गया तो इससे बड़ा दशहरा का मंगलमय आशीर्वाद और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में हम बुराइयों का परित्याग करके अच्छाइयों की ओर हों, किसी का बुरा देखे नहीं, बुरा करे नहीं, सद्भाव पूर्ण हमारा व्यवहार होना चाहिए, सत विचार हमारे अंतःकरण में होना चाहिए, हमारा खान पीन, हमारा आचार, हमारा विचार उत्तम होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जो ना खाने लायक वस्तुएं हैं उनका परित्याग करना चाहिए, जो ना पीने लायक वस्तुएं हैं उनका परित्याग करना चाहिए। यही दशहरा की मंगलमयी कामना है। हमारा जीवन भक्ति की ओर हो, भगवान की ओर हो, हम सदैव बढ़ते रहें, सदा सर्वदा युगल चरणारविंदों में हमारा अनन्य प्रेम हो जाए, यही मंगल कामना है। जय जय श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।